तुमने घर के तुम अपने पिताजी से पैसा लाते हो या बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी क्या बात है? बात है क्या? उसकी मैं जानता हूँ क्या स्थिति है, लेकिन आप भरोसा रखिए आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आपको 25 साल तक केशव प्रसाद सत्ता में आने नहीं देगा। आप विपक्ष, आप श्री अखिलेश जी हमारे बड़े अच्छे, आपको मैं पसंद करता हूँ। अध्यक्ष महोदय, हम आ पाए ना आ पाए, ये हमारे माननीय सदस्य लोक भवन में कब बैठ पाएंगे? लोक भवन में तो कमल खिल चुका है और वो कमल खिला रहे हैं। और देखिए माननीय अध्यक्ष जी, साइकिल पंचर हो गई है, तो अब पंचर का ठीक कराने की जो आपकी साइकिल है उसको शायद उत्तर प्रदेश जनता ठीक करेगी नहीं, इसलिए मैं लोक भवन में कब बैठूंगा? लोक भवन में हम लोग, ये पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे, ये भूल गए इनके जिले की मुख्यालय की सड़क किसने बनाई? आपने बनाई, बताइए फोर लेन किसने बनाई, बताइए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप कृपया करके आपस में डिबेट नहीं करें, कृपया करके नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जी को ये बता दीजिए, ये 5 साल सत्ता में नहीं रहे, आगे 5 साल के लिए फिर विदा हो चुके हैं, 2027 में चुनाव आएगा। मैं तो यह मानता हूं कि फिर कमल खिलेगा, फिर आपका अभी कोई भविष्य समय नहीं है, लेकिन सड़क किसने बनाई है, एक्सप्रेस किसने बनाया है, मेट्रो किसने बनाई है, जैसे लगता है आपने सैफई की जमीन बेच करके ये सब बनवा दिया है। तुमने पिताजी से पैसा लाते हो बनाने के लिए? तुमने राशन बांटा है तो पिताजी ने क्या बात है? आप भी बैठिए, जवाब हो गया, उन्होंने दे दिया, आप बैठिए, आप हो गया जवाब, वो नेता है ना माननीय अखिलेश जी ने दे दिया, आप बैठिए, आगे बातचीत चलने दीजिए, बैठिए। मेरी कड़वी बात अगर कहिए तो कड़वी बात सुनिए, मीना दोनों बात, आपने भी कड़वी बात कही, उन्होंने कड़वी बात की, आप सुनिए, बैठिए मनीष सिन्हा जी, बैठिए, आप भी बैठे, सब लोग बैठे। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक, एक अच्छा माननीय अध्यक्ष जी, नेता सदन खड़े हैं, मान्यवर आप अनुमति दे चुके हैं, उसके बाद ये शोर शराबा ठीक नहीं है, ये उचित बात नहीं। अध्यक्ष जी, एक घंटे से अधिक पूरा सदन माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुनता रहा, बड़ी शालीनता के साथ उन्होंने अपनी बात कही, विपक्ष के नेता का जो दायित्व था उन्होंने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया, हम लोगों ने सुना। इस सदन में और सरकार के उप मुख्यमंत्री अपनी बात को रख रहे हैं, बीच में रनिंग कमेंट्री का मतलब क्या है? और दूसरा, एक सम्मानित नेता के खिलाफ असभ्य शब्दों का प्रयोग हो, तो शब्द का प्रयोग हो नहीं है। और मैं बड़ी विनम्रता से कहूंगा नेता प्रतिपक्ष को कि आपको इतना उत्तेजित नहीं होना चाहिए,